उदयपुर में कांग्रेस और सीपीआईएम को छोड़कर 311 परिवारों के 1401 मतदाता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पर्यटन मंत्री प्रांजित सिन्हा रॉय ने बीजेपी के नए कार्यकर्ताओं को पार्टी का झंडा सौंपा। उदयपुर के राधानगर स्कूल फील्ड में एक विशाल रैली निकाली गई। इस मौके पर विधायक विप्लव घोष भी उपस्थित थे। लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री प्रांजित सिन्हा रॉय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास अभियान पूरे भारत में आर्थिक विकास में मदद कर रहा है। बीजेपी कभी भी जाति वर्ग में भेदभाव नहीं करती। नए कार्यकर्ताओं को शामिल करने का यह कार्यक्रम वर्ष 2019 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव का एक हिस्सा है। त्रिपुरा की परंपरा और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए 33 वर्षीय रूमियो नामक एक युवक जी जान से मेहनत कर रहा है। रूमियो ने बंगलोर से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की और वापस अपने राज्य त्रिपुरा लौटकर त्रिपुरी संस्कृति और लोक संगीत को जिंदा रखने के लिए अपना म्यूजिकल बैंड शुरू किया। तो यही मेरा मेन मोटिव है कि मैं बैंड क्यों फॉर्म किया, कि अपना कल्चर को उसको थोड़ा और अच्छे तरह से थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करके मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। आपकी माँ जो लिरिक लिखते हैं, आप म्यूजिक देते हैं, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। मेरा ऐसा कोई मतलब प्लानिंग नहीं था बचपन से ना कि मैं म्यूजिशियन बनूँ, अभी भी नहीं था। मैं एक्सीडेंटली बोलता हूँ, ये जो म्यूजिक में है ना, ये मेरा एक्सीडेंटल है एक्चुअली। माँ तुम्हार कविता था हमारे दो तखने ते गाने रूप दिया कैटा गाइ प्रथम गाइ ओई माखिंगजर मैं शीतकाल जो छतुर आमार बयस तक 9-10 বা 12 বছর হবে তখনই 30 শতাংশ আমি লেখছি আর কি। শীতকালে আমরা গ্রামে তখন জুতা আসিল না, আর ওই একটা ছোলা বয়া পাড়ার বুড়া বুড়িরা আয়া তামাক খাইত, অনেক কিছু গল্প করত, তার থেকে আমি লেখছি আর কি। রুমিও কি মা অনিতা দেব বর্মা সরকারি স্কুল মে কোক বরাক বিষয় কি শিক্ষিকা হ্যাঁ और त्रिपुरी परंपरा तथा संस्कृति और लोक साहित्य पर कविताएं और गीत लिखती है। रूमियो अपनी माँ के गीतों को ही सुरों में बदलता है। वर्ष 2013 में रूमियो बंगलोर से अगरतला लौटा था। 2014 में उसने अपना म्यूजिकल बैंड कोलोमा लॉन्च किया। इस बैंड में 5 सदस्य हैं और ये बैंड कोक बराक भाषा में परफॉर्म करता है। त्रिपुरा से हर साल बहुत से स्टूडेंट बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, मगर उनमें से बहुत कम ही त्रिपुरा में वापस आते हैं। रूमियो त्रिपुरा में शायद एक्सेप्शनल है, वो त्रिपुरा से बाहर गए, एमएससी पास किया बेंगलोर में, फिर त्रिपुरा में लौट के आए, अपने कल्चर को अपने ट्रेडिशन को बचाने की चाहत में अपना बैंड बनाया। उनकी माँ जो लिरिक लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं, और रूमियो उस कविता को म्यूजिक में कन्वर्ट करते हैं, सॉन्ग्स में कन्वर्ट करते हैं। उनका बैंड कोलोमा त्रिपुरा में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। कैमरा पर्सन काजल केरी के साथ मैं तन्मय चक्रवर्ती, अगरतला से न्यूज 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट के लिए। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से शिलांग में मिनी आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है। जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड एक केंद्रीय संगठन है जो कि पूर्वोत्तर की जनजातियों के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए इस इवेंट का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्य से कई शिल्पकार इस 25 जुलाई तक चलने वाले इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। हम असम से, मिस सिद्धा सुनतरी, मेरा ड्राइव फ्लावर है। हम लोग एक एनजीओ की तरफ से है,
तो हम लोग अपनी कुछ लड़कियों को सपोर्ट करें, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं और जो वीडियोस लोग हैं उन लोग को सपोर्ट करते हैं हम लोग, तो उन लोग के हाथों से बनाए हैं हम लोग। मणिपुर विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज इम्फाल वेस्ट में सुबह 10 बजे से अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह एहतियाती कदम मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों की धमकी के मद्देनजर उठाया गया है। मणिपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ ने यह धमकी दी थी कि अगर राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपति आद्य प्रसाद पांडे को बर्खास्त कर उनके खिलाफ न्यायिक जांच की व्यवस्था नहीं की तो सोमवार को मणिपुर विधानसभा की कार्यवाही में रुकावट डाली जाएगी। जिला न्यायाधीश के आदेश पर मणिपुर विधानसभा हॉल के 500 मीटर दायरे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। इस बीच इम्फाल ईस्ट और वेस्ट दोनों में आज स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। विधानसभा मणिपुर का जो मानसून सेशन यानी अधिवेशन जो है आज आखिरी दिन है, उसमें मुसू यानी मणिपुर यूनिवर्सिटी का जो क्राइसिस जो चल रहा है, इम्पासेस जो चल रहा था, वो अभी ये आखिरी उसका ये सुझाव लेके आएगा या नहीं वो तो देखना पड़ेगा। इम्फाल से कैमरा पर्सन ए बी सोर्जे के साथ न्यूज़ 18 अखोम नॉस इसके लिए एन नोरेन मैटे।